सफलता की चाह तो सभी को होती है, सफलता की चाह तो सभी को होती है, पर सफलता की एक खास बात होती है कि सफलता की एक खास बात होती है कि सफलता मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो सारे? आशा कर रहा हूं कि सब लोग अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि बच्चे 1 मार्च से कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की जो वार्षिक परीक्षा है वो स्टार्ट होने वाली है। तो बेटा आपके पास लगभग, मैं अपना गणित लगाऊं तो बच्चे आपके पास जो है 30 दिन बाकी है। उस 30 दिन के अंदर आपको इतनी मेहनत लगानी है बेटा कि आप उस 30 दिन के अंदर जो बचा हुआ जो सिलेबस है वो आप इजीली जो है कंप्लीट कर पाओ। तो आपके ऊपर बेटा अभी ये पैरेंटल प्रेशर होगा कि बच्चा पढ़ ले, अभी टाइम बचा है, अभी थोड़ा सा टाइम है, पढ़ ले। तो आपके अंदर बेटा ये पैरेंटल प्रेशर होगा, आपके अंदर मेंटल प्रेशर होगा कि भैया हम सर जो है अभी जो है पूरे साल भर नहीं पढ़े हैं, क्या अभी ये थोड़े से टाइम पे हम कर पाएंगे। आपके अंदर बेटा अभी जो है वो पैरेंटल प्रेशर होगा, मेंटल प्रेशर होगा, साथ ही साथ बच्चे आपके अंदर अभी जो है एकेडमिक प्रेशर भी होगा कि क्या सर अगर मेरा रिजल्ट जो है खराब आ गया तो मैं क्या बोलूंगा, दोस्तों को क्या बोलूंगा, हमारे जो टीचर्स है उसको मैं क्या बोलूंगा। तो ये सारे प्रेशर्स के ऊपर बेटा, इन सारे जो बोझ है उनको आप एज अ प्रेशर की तरह मत लीजिए, इन सारी चीजों को बेटा आप एज अ चैलेंज की तरह लीजिए। एज अ चैलेंज आपको लग रहा होगा कि हमारा सिलेबस इतना है लेकिन टाइम फ्रेम सिर्फ इतना सा है बच्चा, ठीक है। हम इसी टाइम फ्रेम के अंदर अपना फिजिक्स भी करने वाले हैं, अपनी केमिस्ट्री भी करने वाले हैं, आपकी जो है हिंदी इंग्लिश बायोलॉजी पोर्शन सारी चीजें करने वाले हैं बेटा। आपको जो है अभी सिचुएशन से मुझे ऐसा सा लग रहा होगा कि बच्चे हमारे पास बहुत सारी चीजें लेकिन हमको जो है इसको क्या करना है बेटा, चैलेंज करना है, इस बोझ को जो है चैलेंज करना है। जिस प्रकार से बच्चे एक जिम के अंदर, एक जो जिम के अंदर बेटा एक वेट लिफ्टर जो होता है वो क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर जो है वेट लिफ्ट करता है, बॉडी को जो चैलेंज करता है, उसी प्रकार से बच्चे आपके अंदर भी एक ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि बेटा चल कर लो कितना प्रेशर डालोगे, मैं सब सह लूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा सर, मैं सब कुछ कर लूंगा। ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर, आपका बॉडी लैंग्वेज ही सब कुछ कहता है बेटा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आपका बॉडी लैंग्वेज ही सब कुछ कह रहा होगा। एक इंसिडेंट बताता हूं, एक प्यारा सा इंसिडेंट बताता हूं बच्चे। अभी जस्ट क्या है, फीफा वर्ल्ड कप हुआ है। उस फीफा वर्ल्ड कप में क्या हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप जो फाइनल मैच था, उस फाइनल मैच में अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में जो मैच हुआ था, उस फ्रांस ने क्या था, पहले क्या था बेटा, पहले आगे बढ़ी थी, बढ़त थी, लेकिन लास्ट के जो 2 मिनट थे बेटा उसमें अर्जेंटीना का जो एटीट्यूड था, जो उनका बॉडी लैंग्वेज था बेटा, वही ने क्या कि उनको जीत डिसाइड कर दी। मतलब लास्ट के 2 मिनट में बेटा उन्होंने क्या किया, लगातार 2 गोल कर दिए। उसी प्रकार से बेटा आपके जो है लास्ट के 30 डेज बचे, लास्ट के 30 दिन बाकी है, उस एटीट्यूड को जो आपको बनाए के रखना है। आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि आप गेम बदल दो। आपका एटीट्यूड ही बेटा वो क्या करता है, डिफाइन करता है कि आप गेम बदलने वालों में से हो या फिर खुद बदलने वालों में से हो। तो आपका एटीट्यूड, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करता है बेटा, ठीक है। तो आप जो इसको मेंटेन करके रखिएगा, उसके अंदर जो ये आग होनी चाहिए कि आप कुछ कर लो, आप कुछ बन लो, ठीक है बेटा। तो ये एटीट्यूड बच्चे आपके अंदर होनी चाहिए। तो बच्चे ये तो सब ठीक है सर, ये सब ठीक है, लेकिन हम क्या अभी भी वो कर सकते हैं, हम क्या अपने सिलेबस को कर सकते हैं? तो बेटा जो चीजें आपको अभी इंपॉसिबल लग रही होगी, जो चीजें आपको अभी इंपॉसिबल लग रही होगी वो एक्चुअल में पॉसिबल है, वो आपको एक्चुअल में पॉसिबल है। वो पॉसिबिलिटी तक लेके जाने के लिए बेटा टीम अभी से लेके आई है एग्जाम सीरीज मिशन 2023, जो कि कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के लिए बेटा, किसके लिए, कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की जो वार्षिक परीक्षाएं होने वाली है छत्तीसगढ़ बोर्ड के अंदर, वो उसके लिए एग्जाम सीरीज लेके आई है। जो कि बच्चे, अगर किसी ने भी बच्चे ने आपके अंदर डाउट आ रहा होगा कि सर हम साल भर नहीं पढ़े हैं, हम साल भर कुछ नहीं किए हैं, हम साल भर जो है मस्ती कर रहे थे, हम कुछ भी नहीं किया, तो बेटा आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है 30 दिन बाकी, इस लास्ट के 30 दिन में अपनी जान लगा दो, अपनी मेहनत लगा दो बेटा, और मेहनत करके बेटा आप जो है अपने अच्छे रिजल्ट तक लेके जा सकते हो बेटा। स्मार्ट वर्क की मैं बात बोलूंगा तो मेहनत पहले कर लो बेटा, स्मार्ट बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप सिर्फ मेहनत करो, आपसे सिर्फ उतनी उम्मीद है बेटा कि आप सिर्फ मेहनत करो, स्मार्ट मैं बनानी है, मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। इस प्रकार से बच्चे हम जो है एग्जाम सीरीज लेके आए हैं। क्या सर इस एग्जाम सीरीज के अंदर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हो? ना बच्चे, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ही बच्चे यहां पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराने वाला हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ठीक है सर, लेकिन आप मेरे को ब्लूप्रिंट बताने वाले हो क्या? हां बिल्कुल बच्चे, आपको मैं ब्लूप्रिंट भी बताने वाला हूं। ब्लूप्रिंट क्यों जरूरी है सर? ब्लूप्रिंट को तो हमको पता होता है, तो ब्लूप्रिंट तो पता होगा बच्चे, ब्लूप्रिंट सभी को पता रहता है, लेकिन ब्लूप्रिंट को अच्छे तरीके से ऑब्जर्वेशन करके किस मार्क्स से, कितने मार्क्स से, कौन से चैप्टर से जो है क्वेश्चन आ रहे, तो ये ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। तो उसी प्रकार से बच्चे हम यहां पे क्या करने वाले हैं, ब्लूप्रिंट वाइज क्वेश्चन करने वाले, मतलब ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही क्वेश्चंस लगाने वाले, और क्वेश्चंस ऐसे होंगे बच्चे जो प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चंस आ रहे होंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड के अंदर, जो पिछले साल पूछे गए हैं लास्ट के 10 सालों में, वो क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं। और साथ ही साथ मैं आपको लिखने के तरीके भी बताने वाला हूं जिससे आपके जो अंक है वो बढ़ जाए बोर्ड के अंदर, ठीक है बच्चे। तो उसी प्रकार से बच्चे मैं जो है चैप्टर वाइज एनालिसिस कराने वाला हूं, मतलब एक समरी फॉर्मेट जब बोलूं सीधा, तो हमारे पास जो पूरा चैप्टर के एनालिसिस है कि एक चैप्टर के अंदर कितनी चीजें आती है, आपको नॉलेज को इंप्रूवमेंट करने वाले हैं, ओवरऑल नॉलेज के साथ बेटा हम माइंड मैप भी देने वाले हैं, और साथ ही साथ बेटा समरी भी वाले, पूरा चैप्टर के समरी देने वाले, और से बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं।
क्या बोला बच्चा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाला हूं जो कि आपके 2023 के क्वेश्चन पेपर के अंदर आ रहा होगा, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चे, ठीक है। तो हम जो है पूरे का पूरा जो है क्या बेटा एग्जाम सीरीज लेके आए, इस एग्जाम सीरीज को बेटा फैलाने वाले हो आप लोग, ठीक है। आप लोग को बेटा सपोर्ट चाहिए रहेगा इस एग्जाम सीरीज को जो है एकदम सफलतापूर्वक करने के लिए, क्योंकि हम जो है आपके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा बिल्कुल जो है फ्री यूट्यूब के अंदर आने वाला है पूरा का पूरा कंटेंट, पूरी की पूरी सब्जेक्ट बेटा कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं का पूरा का पूरा सब्जेक्ट ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के अंदर आने वाला है बच्चा, ठीक है। तो आपको ये हमको जो है ये सपोर्ट देना चाहिए, हमको जो है सपोर्ट की जरूरत है बेटा, ठीक है। तो हम जो मिशन एग्जाम सीरीज लेके आए हैं बच्चे, तो देखो ध्यान से इस एग्जाम सीरीज के अंदर आप क्या हैंडल करने वाले हो सर, आप क्या बताने वाले हो। तो एग्जाम सीरीज के अंदर बच्चे मैं जो है कक्षा 12वीं का जो रसायन है उसको पूरा डील करने वाला हूं, मतलब भैया आपके और मेरे बीच का जो केमिस्ट्री होने वाली है बहुत ही स्ट्रांग होने वाली है, हमको बीच में जो बेटा केमिकल बॉन्डिंग होगी उसको स्ट्रांग करने के लिए, फेविकोल की मजबूत जोड़ लगाने के लिए बेटा मैं यहां पे तैयार हूं। तो क्या आप तैयार हो बेटा, कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताइए कि आप तैयार हो कि नहीं। तो बच्चे हम जो है केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, मैं यहां पे जो बेटा केमिस्ट्री हैंडल करने वाला हूं बच्चे, ठीक है। तो इसके बाद मेरे को ब्लूप्रिंट के ऊपर जाना चाहिए सर, हां बिल्कुल बच्चे आप ब्लूप्रिंट के ऊपर जाओगे, क्यों सर ब्लूप्रिंट तो मेरे को पता है, मैं क्यों पढ़ूं ब्लूप्रिंट बेटा, ब्लूप्रिंट पता है। एक बात बोलता हूं बच्चे, अगर किसी खजाने तक आपको पहुंचना है, अगर किसी खजाने तक आपको पहुंचना है तो आप क्या करोगे, एक मैप लोगे, क्या करोगे बेटा एक मैप लोगे, एक मानचित्र लोगे। तो उसी प्रकार से बच्चे अगर आपको सक्सेस की ऊंचाइयों तक खजाने तक पहुंचनी है तो आपको एक ब्लूप्रिंट की जरूरत होगी, एक मैप की जरूरत होगी। तो वो मैप देखा बेटा यहां पे मौजूद है, एक मैप बेटा यहां पे मौजूद है, यही ब्लूप्रिंट आपको जो है पहला पड़ाव होने वाला है। और उसके बाद जो दूसरा पड़ाव बेटा, दूसरा पड़ाव जो स्ट्रेटजी होने वाली है, स्ट्रेटजी क्या होती है सर, एक रणनीति होती है बच्चे कि आप कैसे कैसे पाथ लेके चलने वाले हो, कैसे कैसे आप चीजों को पढ़ने वाले हो। मैं स्ट्रेटजी के ऊपर मेरा दूसरा वीडियो आने वाला, पहला जो ये डेडिकेटेड वीडियो बेटा ब्लूप्रिंट के ऊपर लेके आने वाला हूं बेटा। तो ब्लूप्रिंट में हम क्या पढ़ेंगे सर, ब्लूप्रिंट में हमको पता है तो ब्लूप्रिंट को मैं ऐसे ऑब्जर्व कराऊंगा बेटा, आपको फील आ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा करने में। देखो बच्चे यहां पे फील करने वाले हैं ब्लूप्रिंट में बेटा। सबसे पहले मैं केमिस्ट्री की अगर बात करूं तो केमिस्ट्री के अंदर बेटा जो पूरा का पूरा ओवरऑल केमिस्ट्री वो तीन पोर्शन में डिवाइड होता है। पहला जो पोर्शन होता है बच्चे वो जो होता है फिजिकल केमिस्ट्री होता है, दूसरा जो पोर्शन होता है इनऑर्गेनिक, और तीसरा जो पोर्शन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। इस प्रकार से बच्चे हम सबसे पहले की बात कर लेते हैं, तो पहले बेटा फिजिकल केमिस्ट्री, अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बेटा, फिजिकल भौतिक रसायन के अंदर जो है बेटा पांच चैप्टर होते हैं। कितने सर, पांच चैप्टर। आपने कभी ऑब्जर्व किया फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पांच चैप्टर होते हैं, वो पांच चैप्टर कौन कौन से हैं सर, ठोस अवस्था, पहला जो चैप्टर होने वाला बेटा ठोस अवस्था, उसके अंदर चार नंबर के एक क्वेश्चन आते हैं। कितने बच्चे, चार नंबर का एक क्वेश्चन आता है, वो भी डायरेक्ट एक बड़ा क्वेश्चन बेटा, डायरेक्ट एक बड़ा क्वेश्चन चार नंबर का आ रहा होगा। उसी प्रकार जो सॉल्यूशन, सबसे प्यारा और सबसे सुंदर जो हमारा जो चैप्टर रहने वाला सॉल्यूशन बेटा, वहां से पांच नंबर का क्वेश्चन आता है, पांच नंबर बेटा, वहां से दो नंबर का एक क्वेश्चन, दो नंबर का एक क्वेश्चन और तीन नंबर का जो है एक क्वेश्चन आता है। इस प्रकार से बच्चे हमको पांच नंबर का जो है ओवरऑल जो चैप्टर नंबर टू से देखने को मिलता है। और उसी प्रकार से बच्चे हमारे प्यारा बारा हरा हरा बारा चैप्टर जो है विद्युत रसायन, जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं, जहां पर सेल के बारे में आपने पढ़ा होगा स्कूल में, तो वो बच्चे वहां चैप्टर से, उस चैप्टर से बेटा पांच नंबर का एक बड़ा सा क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट बेटा पांच नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन यहां से देखने को मिलता है। उसी प्रकार से बच्चे अगर मैं चौथे चैप्टर की बात करूं तो चौथे चैप्टर के अंतर्गत बेटा विद्युत रसायन, सॉरी रासायनिक बल गति की, रासायनिक बल गति के में बच्चे कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे होंगे, रासायनिक बल गति से बच्चे पांच नंबर के क्वेश्चन आ रहे होंगे। और ये क्वेश्चन ऐसे होने वाले बच्चे, दो नंबर का एक क्वेश्चन और तीन नंबर का एक क्वेश्चन होने वाले हैं। उसी प्रकार जो हमारा चैप्टर नंबर फाइव है बेटा पृष्ठ सरफा, पृष्ठ जो है बेटा रसायन, ठीक है, पृष्ठ रसायन से बेटा हम लोग को चार नंबर का एक क्वेश्चन जो है आने वाला है, चार नंबर के बेटा, सॉरी तो ओवरऑल जो है चार नंबर के क्वेश्चन आएंगे और एक जो है एमसीक्यू आएंगे। सबसे पहले पृष्ठ रसायन से बेटा एक एमसीक्यू आने वाला है और तीन नंबर का बेटा एक क्वेश्चन आएगा, तीन नंबर का एक क्वेश्चन। इस प्रकार से बेटा ओवरऑल पूरी की पूरी जो फिजिकल केमिस्ट्री से हमको 23 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बेटा। कितने बच्चे, 23 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 8 क्वेश्चन हमको मिलेंगे। क्या बोला मैंने बच्चे, ध्यान से समझना, आपको जो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर 8 क्वेश्चन मिलेंगे और 8 क्वेश्चन हमको 23 नंबर मिलने वाले हैं। बहुत इजी है, बहुत गजब तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको फील आ जाएगी, मजा आ जाएगा पढ़ने में केमिस्ट्री, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो हम जो है ये केमिस्ट्री की बात के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री की बात के लिए, अब इनऑर्गेनिक के ऊपर चलते हैं सर। इनऑर्गेनिक क्या है सर, इनऑर्गेनिक में बच्चे हम लोग को चार चैप्टर पढ़ना होता है, केवल और केवल चार चैप्टर पढ़ने होते हैं बेटा। उसके अंदर जो पी डी और एफ ब्लॉक है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, एकदम लड्डू हलवा, जो चॉकलेट बोलना कुछ भी बोला, लेकिन बहुत ही मस्त चैप्टर बेटा ये। क्या बेटा मस्त चैप्टर क्या है, पी डी और एफ की मैं पहले बात कर लेता हूं, पी डी एफ की बात कर लेता बेटा। तो यहां से टोटल, यहां से समझना बेटा, टोटल यहां से 13 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कितने बेटा, 13 नंबर के क्वेश्चन थे, 8 5 कितना होता है बच्चे, 13 नंबर के क्वेश्चन आ रहे होंगे। और 13 भी कैसे बच्चे, कि जो डी और एफ ब्लॉक है यहां से डायरेक्ट बड़े क्वेश्चन 5 नंबर के आ रहे होंगे। कितने बच्चे, 5 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे होंगे। और जो हमारा जो है पी ब्लॉक है, वहां से 2 नंबर का एक क्वेश्चन और बच्चे 3 नंबर के जो है 2 क्वेश्चंस आ रहे होंगे। इस प्रकार से बच्चे हमको जो 8 नंबर का जो मार्क्स है पी ब्लॉक के अंदर मिल रहा होगा। अगर मैं छठवें चैप्टर की बात करूं,
छठवें चैप्टर की बात करो मेटलर्जी, जिसको हम बोलते हैं बेटा तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, यहां से तीन नंबर का क्वेश्चन आता है और डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन आता है तीन नंबर के लिए। तो इस प्रकार से बच्चे हम छठवां नंबर चैप्टर भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से बच्चे हमारा जो नाइन्थ नंबर का जो चैप्टर है उपसा संयोजन यौगिक, इससे बेटा तीन नंबर के क्वेश्चन आते हैं और तीन नंबर का डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन आता है तीन नंबर के लिए बच्चे, ठीक है। तीन नंबर के लिए एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा। इसी प्रकार से बच्चे अगर मैं पूरी अनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो बहुत ही गजब तरीके से आपको कराने वाला हूं और बच्चों के दुख दर्द, बच्चों की पीड़ा जो है बढ़ाने वाला, बच्चों के जो है दुख को जो है बढ़ाने वाला जो पोर्शन आता है बेटा उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बच्ची मैं जो आपको गजब तरीके से आपको फील कराने वाला केमिकल लोचे, इसके अंदर जो केमिकल लोचा होता है ना सर, हमको समझ नहीं आता, तो वो केमिकल लोचे को भी मैं सॉल्व करने वाला बेटा। क्या है बेटा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन जो आपके सिलेबस के अंदर बेटा 10वां चैप्टर से जो है 16 जो चैप्टर तक होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन होता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा हम लोग सबसे पहले जो है हेलो एल्केन और हेलो एरिन करने वाले हैं। क्या सर? हेलो एल्केन और हेलो एरिन करने वाले हैं और वहां पे बेटा चार नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से एक एमसीक्यू आएगा बेटा और तीन नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। कितना बच्चा? एक एमसीक्यू और तीन नंबर का एक जो है क्वेश्चन आने वाला है। और जो है एल्कोहल फिनॉल और इथर के अंदर बेटा चार नंबर का बेटा एक क्वेश्चन आएगा, छह नंबर के बेटा एक क्वेश्चन, बोलने का मतलब चार नंबर के टोटल ओवर क्वेश्चन आएगा और इसमें से बच्चे एक जो है एक एमसीक्यू आने वाला है और बेटा तीन नंबर का एक जो है क्वेश्चन आने वाला है। इसी प्रकार बच्चे अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो क्या होगा बेटा, एल्डिहाइड कीटोन में से छह नंबर के क्वेश्चन आएंगे बेटा और यहां से एक आपको एमसीक्यू मिलने वाला है। कितने बच्चे? एक एमसीक्यू मिलने वाला है और जो पांच नंबर का बेटा एक बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है बेटा, बहुत ही मजेदार आने वाला है, ठीक है। बहुत फील करने वाला इस चैप्टर को, ठीक है। देखो नाइट्रोजन युक्त जो है यौगिक है बेटा, एमीन जिसे हम बोलते हैं, एमीन से बेटा चार नंबर के क्वेश्चन आएंगे और ये चार नंबर बेटा दो दो नंबर के आएंगे। कितने बच्चे? दो दो नंबर करके बेटा चार नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं 14वें चैप्टर से, ठीक है बच्चे। सॉरी, जो 13वां चैप्टर है। अब जो 14वां चैप्टर है बेटा बहुत ही प्यारा, लास्ट के दो तीन चैप्टर है बेटा हलवा चैप्टर है एकदम। क्या बेटा? हलवा चैप्टर, लड्डू चैप्टर है। इसको आप जो इजीली जो है अपटेंड कर सकते हैं, यहां से नंबर आप इजीली ले सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कैसे करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करूं जैव विज्ञान की, मैं बात करूं जैव विज्ञान में चार नंबर के क्वेश्चन आएंगे और चार नंबर में बेटा एक एमसीक्यू आ रहा होगा। कितने बच्चे? एक एमसीक्यू आ रहा होगा और तीन नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा होगा। उसी प्रकार बच्चे पॉलीमर्स बहुलक से जो है तीन नंबर के क्वेश्चन आएंगे और तीन नंबर में बेटा डायरेक्ट एक नंबर, तीन नंबर का जो है एक क्वेश्चन आ रहा होगा। और जो लास्ट का चैप्टर है बेटा क्या है बेटा? दैनिक जीवन में रसायन, इस दैनिक जीवन में से रसायन से बेटा तीन नंबर का एक क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहा होगा। इस प्रकार से अगर मैं सारे के सारे कैलकुलेशन करूं तो आपके पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेटा 12 क्वेश्चन आएंगे। कितने बच्चे? 12 क्वेश्चन आएंगे और 28 नंबर के लिए आने वाले हैं। 12 क्वेश्चन 28 नंबर के लिए आने वाले हैं। आपको फील आने वाला है, मजा आ जाने वाला है, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर। ये सारी बातें समझ आई सारे बच्चों को, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं, क्या सर आप हमको सिर्फ ब्लूप्रिंट बताने वाले हो क्या? आप जो है पूरी की जो टीम अभिषेक सर वो ब्लूप्रिंट आने वाली, क्या मैं सिर्फ केमिस्ट्री करने वाला हूं यहाँ पे? क्या मैं, मेरे को फिजिक्स करने को मिलेगा? क्या मेरे को मैथमेटिक्स मिलेगा? क्या मेरे को सर यहाँ पे मेरे को हिंदी इंग्लिश भी मिल पाएगी क्या? तो बेटा हम यहाँ पे पूरी की पूरी जो टीम अभिषेक है एकदम जो है आपके लिए जो बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आपके जो पूरी की पूरी जो है जो भी दिक्कत होगी वो सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो बेटा आपके लिए पूरी टीम अभिषेक यहाँ पे पूरी की पूरी जो सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करने वाली। बच्चे ध्यान समझना, यहाँ पे टीम अभिषेक क्या कर रही है सर? टीम अभिषेक में क्या क्या पढ़ने वाले? तो टीम अभिषेक के अंदर बेटा आपको जो है एक ब्लूप्रिंट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला बेटा? ब्लूप्रिंट मिलने वाला है और साथ ही साथ माइंड मैप और बेटा आपको पीडीएफ में नोट्स मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाला है सर? पीडीएफ में नोट्स मिलने वाला है और साथ ही साथ लगभग लाइव डाउट क्लासेस भी मिलती है बेटा अभिषेक अंदर। जो बेटा क्या मिलता है बेटा? लाइव डाउट क्लासेस मिलती है। उसके साथ ही साथ बेटा हमको जो है यहाँ पे क्या मिलता है? व्यक्तिगत मार्गदर्शन, जो आपको कैरियर गाइडेंस जो बोलते हैं बेटा, व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिल रहा होगा। और साथ ही साथ बेटा आपको जो वैकल्पिक अभ्यास प्रश्न और व्याख्यात्मक अभ्यास प्रश्न भी देखने को मिलेगा। इस प्रकार से बेटा हमको आपको जो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीजें यहां पे कर रहे होंगे। इस प्रकार से बच्चे हमको जो है क्या यहां पे फिजिक्स पढ़नी मिलेगी सर? केमिस्ट्री कर पाएंगे? तो आप तो केमिस्ट्री कर लोगे, ठीक है सर। बच्चे आप जहां पे फिजिक्स करेंगे सर, यहां पे मैथमेटिक्स हो पाएगी क्या? बिल्कुल बच्चे, आपकी ये सारी प्रॉब्लम यहां पे दूर करेंगे। तो बेटा हमारे पास जो ये एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, अब इससे की पूरी एक्सपर्ट फैकल्टीज आपके लिए बहुत ही तत्पर रहे हैं, तत्पर काम कर रहे हैं बेटा। यहां पे सबसे पहले मैं बात करूं, इंट्रोड्यूस करूं, तो हमारे जो है अभिषेक की संचालक मैडम मिस दीपा वर्मा जी, वो क्या कर रहे हैं बेटा? वो आपकी कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का पोर्शन लेने वाले, बहुत ही गजब तरीके से बेटा आपको जो है विज्ञान में फील कराने वाली है मैडम, ठीक है। उसी प्रकार बेटा हमारा जो कक्षा 12वीं का जो बायोलॉजी का पोर्शन है, बायोलॉजी का जो पोर्शन आएगा वो जो है अपने ही यूनिक अंदाज से, छाया प्रतिभा खिलवाड़ में वो जो अपने यूनिक अंदाज से आपको डिलीवर करने वाली, आपको फील आने वाला है बायोलॉजी के अंदर, आपको मजा आ जाएगा बेटा बायोलॉजी पढ़ के, ठीक है। उसी प्रकार बच्चे हमारा जो मैथ्स का जो दुख दर्द कष्ट को जो पीड़ा होती है बच्चे बच्चों की,
दुख दर्द कष्ट पीड़ा जो होती है बच्चों की, वो कष्ट को दूर करने के लिए हिमांशु सोनी जी हैं यहाँ पे मैथ्स लेने वाले, कक्षा बारहवीं की मैथ्स लेने वाले। और उसी प्रकार से बच्चे हमारे पास जो है फिजिक्स के एक्सपर्ट फैकल्टी अभिनव तुषांशु पांडे जी, वो जो है फिजिक्स लेने वाले हैं कक्षा बारहवीं के, जो अपने यूनिक अंदाज से आपको जो है पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एकदम गजब तरीके से बेटा कंटेंट देने वाले हैं आपको, जो है एग्जाम में जो है एकदम 100% जो है 110% जो आपके मार्क्स गजब आने वाले हैं बच्चे, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चे अगर मैं दसवीं की बात करूं तो दसवीं के अंतर्गत बेटा कक्षा दसवीं की मैथ्स की बात करूं तो वहां पर तकेश्वर साहू सर जो है वो जो आपको मैथ्स पढ़ाने वाले, गणित पढ़ाने वाले हैं। और इंग्लिश की बात करूं बेटा, और इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में आपकी कक्षा दसवीं और कक्षा बारहवीं में कमांड जो है कसने के लिए, कमांड आपके रखने के लिए बेटा आपको बड़े ही मजेदार तरीके से बेटा रमेश निषाद सर जो है वो अंग्रेजी कराने वाले हैं। और साथ ही साथ बेटा आपको कक्षा दसवीं का जो विज्ञान का जो पोर्शन रहेगा वो हरीश साहू सर रहने वाले हैं, हरीश साहू सर जो आपके विज्ञान का पोर्शन करने वाले हैं। और आपके और मेरे बीच की जो बॉन्डिंग रहने वाली है केमिस्ट्री में रहने वाली, आप रहोगे बेटा और मैं रहूंगा, हम दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी, ठीक है, दोनों के बीच जो बॉन्डिंग होनी वो यहाँ पर हम केमिस्ट्री के अंदर करने वाले। तो कक्षा बारहवीं का जो केमिस्ट्री का पोर्शन है बेटा वो मैं खुद लेने वाला हूँ, आपको फील कराने वाला, आपको मजे करने वाले हूँ केमिस्ट्री के अंदर। आप केमिस्ट्री से डरोगे नहीं बेटा, इतने गजब तरीके से यहाँ पे हम डील करने वाले हैं केमिस्ट्री को, ठीक है बच्चे। लास्ट में बात करूं तो बेटा अगर आप किसी बच्चों को जो है हमसे जुड़ना हो, हमसे जो है अच्छे तरीके से और पढ़ना हो, हमको जो है डिटेल में नॉलेज चाहिए सर, तो उसके लिए बेटा आप लोग जो है गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और गूगल प्ले स्टोर में बेटा आप लोग सर्च किए अभिप्सा ऐप, और अभिप्सा ऐप बेटा डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वहां पर बेटा जाके हमारे जो द्वारा जो वीडियो रिकॉर्ड किए गए हैं उन सारे लेक्चर्स को आप देख सकते हो, वहां से अगर जो है आप वहां से सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर किसी बच्चे को यहां पे जो है कोई दिक्कत होगी, कोई कष्ट पीड़ा, आपको कुछ डाउट होंगे बेटा, तो आप जो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर से बेटा आप कॉल कर सकते, हमसे जो डायरेक्ट बात कर सकते हो, यहां पे जो हमारे मैडम हो उनसे जो आप डायरेक्ट बात कर सकते हो बच्चे, ठीक है। इसी प्रकार से मैं बेटा ये जो सेशन यहीं पे खत्म करता हूं, और खत्म करने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा बेटा कि आप लोग जो है आपके अंदर वो ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए, आपके अंदर वो ऐसा जुनून होना चाहिए, कुछ करने के लिए जो है आग रहनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें बेटा एक टेम्पररी है, आप इस चीजों को, आप ब्लूप्रिंट को, आप अपना सिलेबस को, अपने चैप्टर को आप जो है 3 महीनों के बाद 4 महीनों के बाद वो आप भूल जाओगे, लेकिन आपके अंदर ये एटीट्यूड जो रहेगा ना, जो हार नहीं मानने की जो एटीट्यूड रहेगी, असफलता से कभी डरना मत, आपकी जो हार नहीं मानने की जो एटीट्यूड है वो आपके साथ हमेशा बने रहना चाहिए, ठीक है बच्चे, आपके साथ बने रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये सारी चीजें तो आप भूल जाओगे, लेकिन आपके जब रिजल्ट आएगा, आपके जब रिजल्ट आएगा तो उस टाइम पे जो है बेटा आपको गिल्ट नहीं होना चाहिए कि सर कि क्या मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता तो मेरे अभी रिजल्ट जो है अच्छा आता, तो वो गिल्ट कभी नहीं आना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। तो आपके अंदर बेटा वो एटीट्यूड होना चाहिए कुछ कर दिखाने का, कुछ करने का जज्बा होना चाहिए बेटा, मतलब मैं सीधा बोलूं तो अगर आपके जज्बा होना चाहिए कुछ करने का, ठीक है, बदलने का जज्बा होना चाहिए, कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। तो इसी प्रकार से बेटा ये लेसन जो है हम यहीं पे खत्म करते हैं, धन्यवाद।